도 다른 데 타운 도 다른 समझ जाना इन दो उदाहरणों में बाकी ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और आज की तत्कालीन परिस्थितियों को समझ लेना एक लकड़ी आग में जलती है और एक लोहा जलता है ध्यान देना लकड़ी को जलाएंगे ना तो लकड़ी जिस ओर है आग की ओर वहां से गर्म होती है लेकिन ऊपर से कोई हाथ रख दे तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि अभी तक वहां आग पहुंची नहीं है है ना वो धीरे धीरे गर्म होती है एक साथ गर्म नहीं होती लेकिन लोहा होता है ना वो एक साथ गर्म होता है और चारों तरफ से गर्म होता है अभी हिंदुओं की स्थिति लकड़ी जैसी बनी हुई है और वो सोचते हैं आपोरे का फर्क पड़े हो वह तो वटे आग लागी अपने तो ठंडकी जे अरे तो भला आदमी लकड़ी तो हागी जे नीचे लागी है तो धीरे धीरे ऊपर भी आई और वहीं से प्रयास कर लेना चाहिए बचने का और सबको एक साथ जुट हो जाना चाहिए जैसे लोहे को एक साथ तकलीफ होती है वैसे हमारे दिलों में भी तकलीफ होनी चाहिए कि देश में गड़बड़ हो रहा है वो वही नहीं हमारे दिल में भी थोड़ी ठेस पहुंची है और एकता की ताकत बताता हूं दूसरा उदाहरण मैंने कहा दो उदाहरण दूंगा एक व्यक्ति ने कुत्ते को पत्थर मारा कुत्ता भाग गया फिर वो पत्थर तो वही था फिर उसने उस पत्थर को उठाया और मक्खियों का छत्ता होता है ना उस पे वही पत्थर मारा तो मक्खियां सब एक साथ आक्रमण कर गई उस पे आदमी पे अटैक किया उसकी जान बचानी मुश्किल हो गई पहले कुत्ता भागा था पत्थर फेंकने से इस बार पत्थर फेंका तो खुद भागा आदमी वही था पत्थर वही था परिस्थिति बदली थी कुत्ता एक था एक को पत्थर मारा कोई सहयोग करने वाला नहीं था तो कुत्ते को भागना पड़ा लेकिन इस बार मक्खियां सब एक हो गई थी शामिल होकर के सबने मिलकर अटैक किया तो आदमी को भागना पड़ा जान बचानी मुश्किल हो गई मित्रों निवेदन करना चाहता हूं देश को बचाना है अंदर से और बाहर से उसकी सीमा की और हमारे भीतर युद्ध छिड़े हैं उनकी रक्षा करनी है संस्कृति संस्कार और देश की अस्मिता को बचाना है तो मक्खियों से सीखिए और एकता हो जानी चाहिए जिस दिन एक बन जाओगे किसी कुत्ते की हिम्मत नहीं पड़ेगी।